हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ कांग्रेस के जिस विधायक इमरान खेड़ावाला ने बैठक की थी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब खबर ये आई है कि इसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी मेडिकल चेकअप हुआ है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियातन वो एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री आवास से ही सरकार चलाएंगे, किसी से भी नहीं मिलेंगे। रौनक पटेल हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रौनक पटेल, इस खबर का डिटेल हमें बता दीजिए। देखिए, पूरे तौर पे नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री होम क्वारंटाइन में चले गए हैं, लेकिन क्योंकि पिछले कई दिनों से उनका जो भी कामकाज होता था, सीएम का जो सत्तावार निवास है वहां से ही होता था, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो कल बैठक हुई उसके बाद में तय किया गया, डॉक्टर्स ने जांच भी की, नॉर्मल दिख रहे हैं, किसी भी किस्म के लक्षण नहीं है कोरोना से जुड़े। फिलहाल उनका टेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर ने सलाह दी है कि किसी लोगों को न मिले। यही वजह है कि एक हफ्ते तक जितने भी विजिटर्स हैं उनके ऊपर रोक लगाई गई है और बाकी के जो भी कामकाज है वो वैसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस और सीएम डैशबोर्ड से करते थे उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन लोगों को नहीं मिलेंगे, जनता को नहीं मिलेंगे, अपने दफ्तर में नहीं जाएंगे। साथ में अहमदाबाद से जुड़ी मैं एक और खबर बताना चाहूंगा, क्योंकि कल मुख्यमंत्री को इमरान खेड़ावाला मिले थे जो विधायक हैं और उनका कोरोना पॉजिटिव आया था। ठीक उनके ही इलाके के, उनके ही मत क्षेत्र के कांग्रेस के पार्षद हैं बद्रुद्दीन शेख, उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है। यानी कि एक विधायक का पॉजिटिव आया, कॉरपोरेटर का पॉजिटिव आया, इतना ही नहीं जो सीएम को मिले जो विधायक गए थे इमरान खेड़ावाला और उनके साथ बाकी जो दो विधायक गए थे शैलेश परमार और ग्यासुद्दीन, उनका रिपोर्ट भी लिया गया है, उनका सैंपल लिया गया है, वो पुलिस शाम तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक और बड़ी खबर हमें रौनक पटेल ने बताई, अहमदाबाद के महानगर पालिका के कांग्रेस के पार्षद बद्रुद्दीन शेख का सैंपल भी पॉजिटिव आया है। इसी इलाके के विधायक इमरान खेड़ावाला भी पॉजिटिव पाए गए हैं।